कि हमारे विपरीत का नामकरण संस्कार होना चाहिए। सो प्रभु की प्रेरणा कहिए, रूप भावन शशांक शेखर की कृपा कहिए, मैं क्या कहूँ कि आप श्री का उसी समय पदार्पण हुआ, हम सब तो धन्य हो गए। वास्तव में हो भाग्य, हो भाग्य। राजन, आप अपने को बड़भागी मान रहे हैं, ये तो आपका स्वभाव है, और भाग्यशाली तो मैं स्वयं अपने को मान रहा हूं। सीता से तात्पर्य सीता मिश्री को ही कहते, मिश्री को सीता कहते। मिश्री कितनी मीठी होती है, अरे किसी किसी को तो मिश्री भी मीठी होने पर भी कड़वी हो जाती है, परंतु ये तो सबको मधुरा के मधुर लगेगी, सबको सुख देगी। सीता से तात्पर्य है शीतलता, तो ये सारे जगत को सारी सृष्टि को शीतल करने वाली ये इनका नाम लेते हैं, जो इनका दर्शन करते हैं सब अंदर बाहर से शीतल हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। राजन, देखिए सीता एक गंजी होता है ना, क्या करता है कपड़े को सीता, हाँ सीता है कपड़े को सीता है, दो वस्त्रों को ऐसे जोड़ देता है कि पता ही नहीं लगता कि दो है, दोनों एक हो जाते हैं। ऐसे ही ये अपने गुणों से परमात्मा को बांध रखी है और परमात्मा के गुण से स्वयं भी बनी हुई है, इसलिए इनका लोक में नाम सीता विख्यात होगा। श्री विदेहराज जी महाराज, सीता शब्द में तीन अक्षर है, सा ई और ता। सा से तात्पर्य है सत्ता, अर्थात संपूर्ण जगत में इनकी ही सत्ता है। ई से तात्पर्य है ईश्वरता, ईश्वरता माने एक पाप और त्रिपाप विभूति की ईश्वर यही है। ता से तात्पर्य है दानवत्र, अर्थ है तीन तीन के समूह, यथा त्रिदोष, त्रिदोष माने वात पित्त और कफ, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश, त्रय कर्म संचित प्रारब्ध और क्रियमाण, त्रिकाल भूत वर्तमान और भविष्य, त्रैविधि जीव विषयी साधक और सिद्ध, त्रैविधि प्रकृति श्रीजी माया और जीव, त्रैवर्णी ओम भू भुव स्व, त्रय जात बैगरी उपांशु और मानसिक, त्रयी गति उत्तम मध्यम और निकृष्ट, गुणत्रय सत रज और तम, तत्वत्रय ब्रह्म जीव और माया, प्रस्थानत्रय उपनिषद गीता और ब्रह्मसूत्र, योगत्रय कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग, अकारत्रय अनन्य शेषत्व अनन्य रक्षकत्व अनन्य भोगत्व, त्रैलोक स्वर्ग पृथ्वी और पाताल, वेदत्रय यजुर्वेद ऋग्वेद और सामवेद, अक्षरत्रय आ उ और मा, पुरुषत्रय उत्तम मध्यम और अन्य,
वचन क्रय, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। और इन सभी के ऊपर इनका ही शासन है।